यार निराश होने की जरूरत नहीं है भाई। हाँ कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा बबीता जी। हमारे पास अभी भी एक घंटा बचा है। हाँ आप हिम्मत मत हारिए। हाँ अय्यर भाई हम सब आपके साथ हैं। अय्यर भाई प्लीज आप आशा मत छोड़िए। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट। अब कुछ नहीं हो सकता है, अब कुछ खत्म हो गया, अब कोई रास्ता नहीं है। बबीता जी अय्यर भाई, बबीता जी अय्यर भाई खुशी मनाइए। अरे जेठालाल ऐसे मौके पर कोई कैसे खुशी मना सकता है? एक मिनट तुम शांति रखो ना भाई। जेठा भाई अय्यर भाई के चेहरे से कलर निकालने का कोई रास्ता मिला क्या? रास्ता तो नहीं मिला हाथी भाई, लेकिन ऐसी व्यक्ति का नाम मिला है जो हमें ऐसा रास्ता दिखा सकते हैं। कौन कौन है वो? कौन है वो बताइए ना। दया की माँ, मेरे सासू माँ, जीव दया माँ। जीवदया माँ को हम सब कैसे भूल गए? उनके पास तो हर प्रॉब्लम का एक से एक सलूशन होता है। हाँ मुझे भी विश्वास है उनके पास जरूर कोई रामबाण उपाय होगा। तो जेठा जी आप अभी कभी अपनी सासू माँ को फोन कीजिए ना प्लीज। जी जी अभी अभी लगाता हूँ जी। रिंग रिंग बज रही। बजी बजी रिंग बजी। रिंग तो बज रही है। ये दया सुंदर और दया की माँ तीनों एक जैसे ही है। जब जरूरत होती तभी फोन ही नहीं उठाते। तुम फोन ट्राई करते रहो जेठालाल, जरूर उठाएंगे वो। उठाएंगे वापस लगा वापस लगा। अरे उठ गया। अरे जेठालाल हाँ सासू माँ जेठालाल बोल रहा हूँ। पके लागू जी 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 कैसे हैं आप? मैं मजे में हाँ हाँ गोकुलधाम सोसाइटी में भी सब मजे में। जी 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 अच्छा सासू माँ एक बात आपसे पूछनी थी। अच्छा मान लो होली में किसी के चेहरे पे वो एकदम पक्का रंग लग गया हो जो निकल ही ना रहा हो, तो ऐसे रंग को निकलने के लिए क्या करना चाहिए? वो रंग हमारे अय्यर भाई के चेहरे पे। हाँ से तो एक मिनट पूछ के बताता हूँ। अय्यर भाई आप कहाँ से है? साउथ से है भाई। एक मिनट तुम शांति रखो ना भाई। अय्यर भाई आपका गांव कौन सा है? महापल्ली खलीबली पूरम। सासू माँ वो कह रहे कि वो उनका गांव है महापल्ली खलीबली पूरम से है जी। अच्छा हाँ ओ लेकिन ये नहीं मतलब ऐसा करने से पक्का रंग निकल जाएगा? ठीक है जी 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 ओके ओके थैंक यू सासू माँ थैंक यू। हाँ जेठालाल जल्दी बताओ तुम्हारा मदर इन लॉ ने क्या बोला? हाँ ये कैसे बताऊँ वो थोड़ा अजीब है। जेठा जी अजीब लगने वाला सब कुछ हो चुका है, अब हमें कुछ अजीब नहीं लगेगा। अब प्लीज बताइए ना क्या है। हाँ तो सुनिए उन्होंने बताया कि ऐसी गाय जिसने हाल ही में किसी बछड़े को जन्म दिया हो ऐसी गाय का गोबर अगर आप चेहरे पे लगाएंगे तो रंग निकल जाएगा। गोबर गोबर हाँ मैंने भी सुना है गोबर में बहुत गुण होते हैं। मस्त आइडिया है।
हाँ, और ये इन्होंने जो कहा ना कि ऐसी गाय जिसने हाल ही में बछड़े को जन्म दिया हो, ऐसी गाय का गोबर तो कहते हैं कि बहुत ही मतलब बहुत बहुत ज्यादा चमत्कारिक तरीके से गुणकारी होता है। लेकिन जिस गाय ने हाल ही में बछड़े को जन्म दिया हो, ऐसी गाय मिलेगी कहाँ? सासू माँ ने कहा कि आप अगर शिद्दत से और श्रद्धा से गाय को ढूंढेंगे तो ऐसी गाय जरूर मिल जाएगी। हाँ टेपंचे, दया बहन की मम्मा ने कहा है ना, तो टंटन सच होगा। हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। लेकिन गोबर? हाँ यार भाई, गोबर। बबीता, I don't know अय्यर, I think you should try this option. क्या है अभी दया भाभी के मम्मी के पास हर चीज का सलूशन तो होता ही है ना, so let's try. उनकी बात कभी गलत नहीं होती। हाँ लेकिन गोबर? अभी अय्यर भाई, आपने साबुन, पानी, क्रीम, दही, आमचूर, बेसन, पपीता, खीरा, खीरा सब कुछ तो ट्राई कर लिया, तो अभी लगे हाथ गोबर में ट्राई कर लीजिए। और देखो ये कोई नुकसानदेह चीज अगर लगा है तो उसमें चिंता करने वाली बात भी है। गोबर तो बड़ा गुणकारी होता है और गोबर तुम ईंधन के रूप में काम में लेते हैं भाई, इसलिए अगर तुम गोबर चेहरे पे लगाते हो तो खोने के लिए कुछ नहीं हमारे पास, और अगर गोबर काम कर गया तो समस्या का हल ही मिल जाएगा ना। ओके ओके, मैं तो कहती हूँ आप सबको यहाँ से जल्दी जाना चाहिए और गोबर लेके वापस आना चाहिए। हाँ करेक्ट, सकर में पड़ जाते, मैं चाबी लेके आता हूँ। हाँ, चलो चलो चलो। भाई हो क्या, चलो चलो, तुम भी आ रहे हो? क्यों? अरे आने दो ना, वो उसे सकर के साइड कार में बैठना अच्छा लगता है ना, इसलिए आ रहा है। अरे यहाँ का क्या अर्थ है? नहीं नहीं भाई, नहीं तुम रहना, तुम नहीं, मैं तो सब, आप चलो। नहीं नहीं, इसे लेके जाओ, इसे शौक है तो इसे ले जाओ, मैं अय्यर भाई के पास रुकता हूँ। एक भी तुमने नकारात्मक बात की ना पोपटलाल, गोबर मिल जाएगा और अय्यर भाई के चेहरे से रंग निकल जाएगा। चलो 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 चलो, हां हां, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। हां थैंक यू, बबी जी, अय्यर भाई चिंता मत कीजिए, हो गया भाई। चल जल्दी जल्दी, हां हां, लेके आ। हां बेटा कहां जा रहा है? अरे चाबी चाबी, जा जा जल्दी जल्दी लेके आ, जल्दी लेके आ। अब तू एक काम करना, कोई बर्तन लेके आना जिसमें गोबर लेके आएंगे, जल्दी। हां हां, अब तो लग, जल्दी फटाफट। हां हां, चल चल भिड़े, चल चलो, आ गया आ गया आ गया, चलो 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 भाई, चलो 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 चलो, चल पेट्रोल है। अरे यार शुरू हो गया इसका नकारात्मकता, छोड़ इसको छोड़, हम लोग निकलते चल। अरे क्या निकलते हैं भाई, रास्ते में तकलीफ ना हो, इसने खाली याद दिला रहा था भाई, पेट्रोल है ना। अरे भाई कली टंकी फुल करवाई है मैंने पोपटलाल, चलो अभी। हाँ तो चलो चलो भिड़े। जेठालाल उसको यहाँ बैठना है, उसको छोड़ना भाई, चल ना तू, चल। अरे मैं पीछे बैठ जाता हूँ, उसमें क्या है भाई, आते हुए बैठूंगा साइड कार में, चलो चल। जो भी है सब चलेगा, अभी टाइम कम है, टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी करो। सही बात है, देखो देखो, ला 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 अब्दुल, ला भाई ला। एक जेठालाल की पद्धति गई थी, मेरा तो छाता है। अरे भाई साहब। हाँ साहब बोलिए, गाय का दूध चाहिए या भैंस का? दूध नहीं चाहिए। अच्छा तुम्हें घी चाहिए होगा? नहीं नहीं घी भी नहीं चाहिए। ये तो फिर दही या फिर छाछ चाहिए होगा? नहीं नहीं इसमें का कुछ नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? वो आपके पास कोई ऐसी गाय है जिसने अभी अभी बछड़ा को जन्म दिया हो? बछड़ा चाहिए? नहीं नहीं गोबर चाहिए। हाँ वो भी ऐसी गाय का जिसने अभी अभी बछड़े को जन्म दिया हो? नहीं नहीं साहब, ऐसी तो कोई गाय नहीं है हमारे यहाँ। यहाँ पास में वो गोवर्धन का तबेला है, वहाँ जाके देखते हैं। चल, चल। नहीं भैया, हमारे यहाँ ऐसी कोई गाय नहीं है जिसने अभी अभी बछड़ा दिया हो। बाकी बहुत सारी गाय है, भैंसे हैं, अरे उनका गोबर ले जाओ,
गोबर तो सबका एक जैसा ही होता है ना। वैसे बात तो सही है, ऐसा कर सकते हैं ना। नहीं, फिर वो गोबर लगा और रंग नहीं उतरा तो मन में खटका रह जाएगा। इससे अच्छा सासु माना जो कहे वैसा ही करता है ना। नहीं, और वो कोई गाय का गोबर नहीं चाहिए। थैंक यू। अभी अभी यहाँ पास में मिश्रा जी का तबेला है, वहाँ जाके देखते हैं। इतने सारे तबेले के बारे में कैसे जानकारी है भाई? पता ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं। भाई मैं डर अकेला रोज सुबह दूध लेने निकलता हूँ तो चार तबेले घूमता हूँ, जहाँ दूध का भाव कम दिखता है वहीं से लेता हूँ। चलो चलो चलो। मिश्रा तबेला। आइए आइए आइए। नमस्ते भाई। नमस्ते नमस्ते। भांग पिएंगे? भांग नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? आपके पास ऐसी कोई गाय होगी जिसने अभी अभी बछड़े को जन्म दिया हो? एक मिनट। लगता है यहाँ पे काम हो गया। सासू माँ ने बोला था कि आप शिद्दत से अगर ढूंढोगे तो मिल ही जाएगा, सकारात्मक सोचोगे तो मिल ही जाएगा। वो देखो, अरे हैप्पी होली, बच के जाने ना पाए। अरे वो तो रंगने आ रहा है। हैप्पी होली। बचा लिया ना मेरा सखाराम ने। अरे बचा लिया क्या, उसका पूछ चालू क्यों नहीं हो रहा था? अरे हाँ सखाराम बेटा, तुझे क्या हो गया था? तुम चालू क्यों नहीं हो रहे थे? तो बाप रे, तो सच में पूछ रहे? अब तो मैं भी पूछता हूँ छाते को, क्या होता भाई, खुल क्यों नहीं रहा था? भाई स्कूटर रोक, स्कूटर रोक। क्यों? मैं रिक्शा से जाता हूँ। लेकिन क्यों? अरे क्यों क्या, एक स्कूटर से बात करता है, छाते से बात करता है, ऐसे लोगों के साथ मुझे नहीं जाना है। नहीं बराबर है पोपटलाल, तुम जेठा से बात करो भाई। बोलो जेठा। क्या बोलो, आधा घंटा हो गया है, आधे घंटे में अय्यर भाई का बॉस गोकुलधाम सोसाइटी में पहुंच जाएंगे, उसके पहले मैं गोबर लेके पहुंचना है और तुम दोनों का मजाक पूछ रहे हैं? नहीं बराबर है, बराबर है, सॉरी सॉरी। यहाँ पास में अभी एक ही तबेला बचा है बलराम का, वहाँ भी गोबर नहीं मिला तो मिलेगा ही, क्यों नहीं मिलेगा? चल चल, भगा भगा भाई भगा। हाँ बासुंदी, हम जानते हैं आज होली रंगों का त्योहार है और आप हमारे मासूम से चेहरे पर रंग लगाना चाहती हैं, पर क्या करें, हम मजबूर हैं, हम ड्यूटी से बंधे हुए हैं। हम भी तो आपके चेहरे पर रंग लगाना चाहते हैं ना। बासुंदी सुनो तो सही, इस त्योहार पर रंग में भंग न पड़े आज हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा बासुंदी। हम घर आकर आपसे होली खेलेंगे ना, खूब खेलेंगे होली हम। अरे मान भी जाओ, थोड़ी देर की बात है ना, रंगी तो लगाना है। सुनो तो बासुंदी। होली और बासुंदी, बेटा रुक रुक रुक। अरे रुक रुक, क्या हुआ क्या हुआ पकड़ लो। अरे आगे पुलिस है। तो क्या हुआ? लाइसेंस है मेरे पास, मैं हमेशा लाइसेंस साथ में रखता हूँ, मैं कानून कभी नहीं तोड़ता, नियमों का पालन करता हूँ। अरे वो कानून के रखवाले, हेलमेट का? मैंने हेलमेट नहीं पहना, मैंने हेलमेट नहीं पहना। ठीक है भाई, ये सीट के अंदर रहता ना, तो निकाल और पहन ले। नहीं निकाल सकता जेठालाल। क्यों? क्योंकि हेलमेट घर पे है। घर पे कौन पहनता है? माफी माफी, ती कशाला घालेल? तो घरात कशाला ठेवली? ते ठेवली का ठेवली, बायको होती माझी। अरे मैं हेलमेट की बात कर रहा हूँ। आप तुम्हें ठेवलं असं म्हणायचं ना। घरात कशाला ठेवलं? धुवायला। अरे हेलमेट कौन धुणे डालता? मैं आज होली थी, मैंने सोचा कहीं जाना नहीं था तो हेलमेट धुने डाल दिया। वो मैं धोता हूँ अक्सर, क्या अंदर पसीना होता है ना, मैं धोता हूँ। तो नॉर्मली कितने, 15-20 दिन में डालते? नहीं, डिपेंड्स ऑन डिलीवरी, अगर ज्यादा डिलीवरी हो गई अचार पापड़ की तो ज्यादा पसीना आता है, तो 7-8 दिन में भी धोता हूँ कभी कभी।
मैं क्या बोल रहा हूँ, तेरा काम इतना बढ़ गया है तो एक सेकंड हैंड गाड़ी ले लेना। अरे क्या चल रहा है तुम दोनों का, यहाँ टाइम नहीं है और क्या टाइम पास कर रहे तुम दोनों। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, ये इससे शुरू किया ना, ये धोने कौन डालता है वगैरह उसमें। चलो फटाफट जाते हैं और हेलमेट लेके आता हूँ सोसाइटी से। ए भाई ए, अबे टाइम नहीं है सोसाइटी वापस जाने का, एक काम करते हैं दूसरे रास्ते से जाते हैं हम लोग। चल नहीं नहीं नहीं, ये वो तबेले तक पहुँचने का यही एक रास्ता है। तो एक काम करते भिड़े, देखो कोई पुलिस दिखाई तो नहीं दे रहा है। कम कर किसी गाड़ी की आड़ में धीरे धीरे निकल जाते, पता नहीं चलेगा। हाँ बराबर भाई, सुम में निकल जाएंगे ना, किसी को पता नहीं चलेगा। तो मैं क्या कानून तोड़ू? अरे भाई तू अपने लिए कानून थोड़ी तोड़ रहा है, तू तो देश के लिए कानून तोड़ रहा है। हाँ अय्यर भाई वहाँ कॉन्फ्रेंस में जा रहे है तो देश को प्रेजेंट दे रहे है ना। नहीं नहीं जेठालाल, प्रेजेंट दे रहे नहीं, रिप्रेजेंट कर रहे। वो जो भी वो समझ गया भिड़े भाई, समझ गया। तो रुका क्यों है, चलना भाई, सुन में निकल जाएंगे। बड़ी होली मुबारक हो। आपको भी सर। बड़ी रात देखना इस शहर में होली के त्योहार पर कोई रंग में भंग न पड़े। सर होली है, रंग तो डालेंगे ना। मेरा मतलब है कोई कानून न तोड़े। सर अगर आज इस शहर में किसी ने भी कानून तोड़ने की कोशिश की ना तो हम गाड़ी के आड़ में निकल। ए, थामा, थामा, थामा। लगता है कानून तोड़ दिया। बगैर हेलमेट के कहाँ जा रहे हो? क्या बोल रहा था, सुन में निकल जाएंगे, पकड़े गए ना। सॉरी हवालदार साहब, वो क्या है ना, घर से घाई घाई में निकले ना तो हेलमेट पहनना भूल गए। गोकुलधाम वाले होली के दिन यहाँ फैशन है घाई घाई में निकलो या जल्दी में निकलो, स्कूटर तो हेलमेट पहन कर ही चलाना होगा मास्टर जी। नहीं जेठालाल, जो इंसान कानून तोड़ता है वो कानून से बच नहीं सकता। नहीं नहीं, मानते हैं चालू जी पांडे जी के ये भिड़े से गलती हुई है, लेकिन क्या वो जानबूझकर गलती नहीं की है इसने? जानबूझकर गलती कौन करता है जेठालाल, गलती तो अनजाने में ही होती है ना। हाँ वही वही वही, वो अनजाने में गलती हुई है तो अभी सॉरी जाने दीजिए ना चालू जी पांडे जी प्लीज। पुराना मानो होली है, हैप्पी होली। अरे काहे की हैप्पी होली, कानून तोड़ने वाले को त्योहार के दिनों में कानून डिस्काउंट नहीं देता। इंस्पेक्टर साहब हमें प्लीज जाने दीजिए, हम लोग बहुत जल्दी में, बहुत जरूरी काम है कानून तोड़ने का। पता है तुम जैसे कानून तोड़ने वालों की वजह से हम हमारी फैमिली के साथ कोई त्योहार ही नहीं मना सकते। चाहे होली हो, दिवाली हो, गणपति हो या ईद हो, 24 आवर्स मुंबई पुलिस ऑन ड्यूटी। अरे हमारा भी मन होता है कि हम हमारी फैमिली के साथ त्योहार मनाएं, होली के दिनों में अपने बीवी के मासूम चेहरे पर रंग लगाएं, लेकिन नहीं, तुम जैसे कानून तोड़ने वालों की वजह से हम कोई त्योहार ही नहीं मना सकते। त्योहार के दिनों में भी हमें ड्यूटी करनी पड़ती है। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपको गलतफहमी हो रही है। देखिए मैं एक शिक्षक हूँ, मैं कभी कानून नहीं तोड़ता हूँ, मैं हमेशा हेलमेट पहनता हूँ। अरे सोसाइटी में अगर यहाँ से वहाँ भी मुझे स्कूटर पार्क करनी होती है तो मैं हेलमेट पहनता हूँ। आज वो गलती से इमरजेंसी थी इसलिए रह गया। इसकी सजा मिलेगी और बराबर मिलेगी। दोस्तों गरीबी में हो गया है गीला आटा और घूसे पे पड़ गया है चाटा, मुसीबत पे मुसीबत आया जा रही है ना, तो नवजात बछड़ा देने वाली गाय मिली है ना उसका गोबर मिला है। और देखिए इंस्पेक्टर चालू पांडे ने भी रोक लिया है भिड़े पोपटलाल और जेठालाल को, अब क्या होगा, क्योंकि अय्यर का बॉस किसी वक्त पहुंच सकता है गोकुलधाम सोसाइटी में और वो पहुंचे उसके पहले इनका गोबर लेके पहुंचना बेहद आवश्यक है। लेकिन क्या किया जाए, क्या गाय मिलेगी, क्या गोबर मिलेगा, और सबसे बड़ी बात क्या ये इंस्पेक्टर चालू पांडे के चंगुल से छूट पाएंगे, और उससे भी बड़ा प्रश्न क्या अय्यर के चेहरे से रंग निकलेगा। जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। और हाँ मित्रों एक विशेष बात, मित्रों आज चेटीचंड है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से सभी सिंधी भाइयों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। और यहां तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अय्यर के चेहरे का रंग कैसे निकलता है जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।